काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी टीका केली होती। योगी आदित्यनाथ यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांना प्रत्युत्तर दिलंय, मला संपूर्ण देश योगी म्हणून ओळखतो, माझ्यासाठी देश सर्वात आधी येत असून काँग्रेस देशात पुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप योगींनी केला। दरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा एक है तो सेफ हेचा नारा दिला। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। लगातार तीन दिन से कांग्रेस के अभ्यर्थ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं, हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और गरीबों के लिए भी। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नौजवान के लिए मिशन रोजगार में नौकरी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, नारी गरिमा की रक्षा के लिए तमाम योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं भी अब लागू हो चुकी हैं। और विरासत का सम्मान कैसे होना है यह देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यानी जैसे कि धरती की सृष्टि, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास ये कांग्रेस कहती है। जो कांग्रेस हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त करने का समय आ चुका है। उस कांग्रेस को अब अस्तित्वविहीन करिए, क्योंकि ये देश की अपूर्णीय क्षति इससे पहले करे। समय आ गया है हम भी निर्णायक लड़ाई लड़ें। अयोध्या की समस्या का समाधान न हो इसके लिए कहते थे राम हुए ही नहीं। आप याद करिए,
2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की समस्या, अयोध्या की समस्या का समाधान, मात्र 2 वर्ष लगे, 500 वर्षों की समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्ष के अंदर किया। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, यही लाभ है, विरासत भी है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो समृद्धि भी है। आज महाराष्ट्र महायुति गठबंधन के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस, केंद्र में गडकरी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य लगातार, यह अभियान आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितनी समस्याएं हैं लैंड जेहाद की, लव जेहाद की, धर्मांतरण की, पैन कार्ड जेहाद की, इन सब का समाधान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एकमात्र समाधान है। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है,